अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। सबसे पहले आज कॉर्पोरेशन में क्या हुआ इस पर बात करते हैं और आखिर में मरीजों के साथ अस्पतालों में किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है इस पर भी बात करते हैं। आज कॉर्पोरेशन की मीटिंग बड़ी दिलचस्प रही, कई सारे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त MLA जनाब आसिफ राजू सेठ और MP मंगला अंगड़ी भी मौजूद रहे। उमूमन MLA आसिफ सेठ तकरीबन कॉर्पोरेशन की मीटिंगों में मौजूद रहते हैं ताकि अवामी मसाइल पर तवज्जो दे सके। आज कई सारे कॉर्पोरेटरों ने बात की, लेकिन खासकर कॉर्पोरेटर मोहतरमा रेशमा बैरकदार ने किला तालाब के उस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई जो बरसों से हल नहीं हो पा रहा है। सभी जानते हैं कि जब भी बारिश आती है तो तालाब के अतराफ के इलाके बाढ़ जैसे हालात से मुतासिर हो जाते हैं। लिहाजा आज कॉर्पोरेशन में कई मसाइल पर गुफ्तगु हुई जिस पर जल्द अमल करने का भरोसा मेयर शोभा सोमनाची की जानिब से दिलाया गया। कॉर्पोरेशन सुपरिटेंडेंट लक्ष्मी निपानिकर को कई सवालात पूछकर घेरने की कोशिश की गई। लिहाजा बेलगाम शहर भले स्मार्ट सिटी कहलाती हो लेकिन मुख्तलिफ मसाइल से आज भी घिरा हुआ है, ये देखने को मिलता है। जाहिर है रिश्वतखोरी की दीमक भी कहीं ना कहीं लगी हुई है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। किला तालाब और अतराफ में बसे मोहल्लों की मुश्किल की तरफ रेशमा भैरकदार ने तवज्जो दिलाते हुए कहा कि 2018 से कई मरतबा मुतालबात पेश करने के बावजूद भी किला तालाब के नालों को लेकर कॉर्पोरेशन की जानिब से संजीदगी नहीं बरती गई, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा रुपए नाले को लेकर मंजूर किए गए। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में मिलने की कई वारदातें पेश आ रही है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने गुलबर्गा की मिसाल पेश करते हुए कहा कि वहाँ इसी तरह का पानी पीने से 2 की मौत हो गई। पानी सरबराह यानी पानी सप्लाई का जिम्मा LNT के पास है। अब इस निजी कंपनी की शिकायतें रोजाना बढ़ती ही जा रही है। क्या बेलगाम में भी किसी की मौत का इंतजार किया जा रहा है, ऐसा सवाल भी किया गया। इसी तरह जन्म मरण दाखिले के लिए पूरे नाम की सख्ती की जा रही है जिससे आवाम परेशान है। मामूली करेक्शन के लिए अदालत को जाने के बाद कॉर्पोरेशन की जानिब से कही जा रही है ऐसा कहा गया। हुबली धारवाड़ या दिगर कॉर्पोरेशन में जब मामूले रद्द बदल किया जा सकता है तो बेलगाम में क्यों नहीं, ऐसा भी कहा गया। इसी तरह अपोजिशन लीडर मुजम्मिल डोनी ने भी तरक्कियाती कामों के लिए मंजूर शुदा रकम हर साल घटती ही जा रही है। 50 लाख की रकम अब 12 लाख तक पहुंची है, आगे इतनी रहेगी या और भी घटेगी ऐसा भी सवाल किया गया। सबसे अहम बात का जिक्र यहाँ ये भी रहा कि कॉर्पोरेशन या फिर स्मार्ट सिटी की जानिब से सीमेंट पोल की जगह पर जदीद लाइट पोल बिठाए जा रहे हैं। कॉर्पोरेटरों की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि सीमेंट पोल को तोड़कर खंभों से लोहा भी छुराया जा रहा है। कितने खंभे बिठाए गए और वो तमाम कहाँ है इसका हिसाब भी पूछा गया। इसी तरह न्यू गांधी नगर के कॉर्पोरेटर अजीम पटवेगार ने बकाया 10 करोड़ कहाँ है पूछते हुए पिछले कामों को जारी न करने का आदेश आया था और जारी कामों को फिर से क्यों रोका गया, अगर शुरू है तो किसके कहने पर किए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन किसने किया था, ऐसा भी सवाल किया गया। कॉर्पोरेटर मोहतरमा अफरोजा मुल्ला ने ऑडिटर को अपॉइंट करने का मुतालबा किया। ये आज कॉर्पोरेशन में इस तरह तबादले ख्याल किया गया। Same situation was happened in Kalburgi district. Kalburgi district में क्या हुआ था कि 12 लोग हैं कंडेमनेशन वाटर पीकर हैं हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनके इसमें ही 2 डेथ हुई और ये पानी मुझे वार्ड में पिलाया गया। मेरा आवाज देख रहे हैं वो अटक रहा है ये पानी पीने की वजह से। स्मार्ट सिटी वाले अभी तक एक्शन नहीं लिया और आपने कहा था ये रेक्टिफाई हम करते हैं, अभी कितने महीने लगेंगे, क्या 1-2 डेट हुए के बाद में आप रेक्टिफाई करेंगे, क्या फांसी का फंदा मुझे डालने, क्यों बोल रहे? तो भाई वो वार्ड में रहती हूँ और वोटर्स के बीच में रहती हूँ मैडम, कुछ भी हुआ तो मुझे पकड़ते हैं, आपको नहीं पकड़ेंगे। स्मार्ट सिटी इरले कॉर्पोरेशन इरले बोडा इरले या डिपार्टमेंट इरले ತಾವು ಇದೇನೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳು, ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾ ಬುಡಾಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಮೇ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ಕಾಪಿ ಹೈ ಮೇಡಮ್ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಪೂಛನೆ ಪರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋ ಜಾವ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ कोर्ट को जाओ कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। एक अनपढ़ इंसान कहाँ पे कहाँ जाएगा कोर्ट को? फंड माइनॉरिटी फंड का है, डायरेक्ट गवर्नमेंट से है, नहीं गवर्नमेंट का फंड है, कॉर्पोरेशन का नहीं है। लेकिन सरकार का आदेश है कि कौन सा भी काम पुराना टेंडर करना नहीं। पिछले मीटिंग में बात हुई तो पिछले हमारे साथी कॉर्पोरेटर पूछे के काम बंद क्यों है, तो अभी जो है वो काम जो स्टार्ट हुआ है इंस्पेक्शन करके स्टार्ट करने का ऑर्डर सरकार दी है क्या?
एक फोन करके इंस्पेक्शन को आए, आप हमारे को एक फोन का, मैं एरिया का कारपोरेटर हूँ और आप इंस्पेक्शन करते रहेगा मेरे को कहाँ काम लेना है कहाँ नहीं लेना है, आप इंस्पेक्शन करे तो मेरे को बोलना चाहिए नहीं। पहले मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ, आपने कहा कि 50 लाख रुपीस, फिर दूसरे मीटिंग में डिस्कशन हुआ 40 लाख रुपीस, और डिस्कशन में लक्ष्मी मैडम बोले 11 लाख और 16 लाख 27 लाख रुपए, अभी आ रहा है 12 लाख। तो अभी ये पास होने के बाद में 12 लाख होगा क्या, और 3-4 लाख रुपए को आएगा? आज बेलगाम काँग्रेस पार्टी महिला की जानिब से काँग्रेस कैद राहुल गांधी को भाजपा की जानिब से तौहीन अमोज अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर एहतजाज किया गया। वाज़ा रहे रावण के अवतार में कांग्रेस के कैद राहुल गांधी को भाजपा की जानिब से दिखाया गया था। मुल्क की सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। बेको, 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 पदे पदे राहुल गांधी के तेजो ने मरता है उनके, अरे मारले बेको, मारले बेको, मारले बेको, बेके ಬಳೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಲ್ಲೂ ಇದು ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಚೇಲಾಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೀರಿ ಬಳೆ ಮತ್ತ ಮಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶನ ಒಕ್ಕಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತಡಿ ತರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಕ್ಕಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗಿ ನೀವು ರಾವಣದ ಹತ್ತ ತಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ದ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. 1 नवंबर कर्नाटक राज्योत्सव के लिए हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए मंजूर करने की मांग. दीपक गुड़गन्नट्टी ने कहा, जिस तरह दशहरा मैसूर में मनाया जाता है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, इसी तरह बेलगाम का राज्योत्सव भी मशहूर हो और लोग वो यहाँ पर देखने के लिए आए, इसके लिए रुपये मंजूर किए जाए, ऐसी मांग आज की गई. इडी राज्यदे नवंबर वो अद्दूरी राज्योत्सव लक्षांतर कन्डिगर वो कड़े सेरतार अंदर अब बेलगवी राज्योत्सव ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನಕ್ಕೆಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವದ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಶ್ವದ ಜನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗಡೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಡಗರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. आज भाजपा का एक प्रहलाद जोशी ने शिमोगा फसाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा. वाज़ा रहे कि ईद मिलाद के जुलूस पर फिरका परस्तों की जानिब से पथराव किया गया था, जिसके बाद तनाव का माहौल देखने को मिला था. सर, शिमोगा के संबंध से राज्य सरकार कांग्रेस सरकार बंद नंतर इवर ಒಂದು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು. ಇನ್ನು ತನಕ ಸರ್ಕಾರದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. रियासत में सिद्धरमैया हुकूमत की जानिब से शराब दुकानों को लाइसेंस देने की खबर के बाद भाजपा सहित दिगर सियासी पार्टियों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ यलगार की और एहतजाज भी पूरे रियासत में किया गया था. लिहाजा किसी तरह नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बयान वजीर आला सिद्धरमैया की जानिब से आज दिया गया.
आखिर में एक अहम खबर की तरफ तस्करा और तवज्जो। आजकल अस्पताल, मरीज, दवाखाना, बीमारी, महंगी दवाइयाँ, ऑपरेशन और खासकर खवातीनों का मामला जब रहता है तो डिलीवरी नॉर्मल या सीजरी, उमूमन समाज में ये लफ्ज रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं और देखने सुनने को मिलते रहते हैं। पर कभी दूसरी तरफ जो पेशा खिदमात के लिए जाना जाता था, आज रुपए कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आज इसी तरह एक खातून की मौत के बाद डॉक्टरों से बहस करते रिश्तेदारों की वीडियो वायरल हुई। वीडियो बेलगाम ही का है। आजकल डॉक्टर का पेशा ऐसा हुआ है, जीता तो मेरा, हारा तो तुम्हारा, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, इनके जिंदा रहा तो ये मेरी तरफ से और मर गया तो फिर आपकी किस्मत। अब अस्पताल गरीब आवाम की कुव्वत में नहीं रहा, किसी तरह अपना अपने घर का फर्द जिंदा रहे इसके लिए हर शख्स कोशिश करता रहता है, किसी भी उम्र का हो, किसी तरह अपनों की जान बचा सके इसके लिए उम्मीद से डॉक्टरों के पास जाता है, पहचान वाला है या किसी के पहचान से शायद अच्छी देखभाल या मरीज का इलाज करे, और इसी एक उम्मीद से यहाँ वहां मरीज को लेकर भागता रहता है। लेकिन आजकल हम सबको होशियार खबरदार रहना है, क्योंकि जज्बात के सौदे किए जा रहे हैं, इंसान की मजबूरियों का हर कदम पर फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब तो बड़ी बीमारी का डर दिखाकर रुपये लूटने का अगर मरकज कहीं है तो वह अस्पताल कहा जा सकता है। लोग घर में राशन कम और दवा गोलियां ज्यादा ला रहे हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए दवाइयां खाना भी जरूरी है, और आपको डॉक्टरों की जानिब से हिदायत भी उसी तरह दी जाती है। ऐसा नहीं कि सभी के सभी इस तरह के हैं, कुछ लोग हैं जो आज भी वो अपने खिदमात खुलूस के साथ दे रहे हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर सोया हुआ मरीज कितने अस्पतालों का चक्कर काट कर लौटता भी है या नहीं मालूम नहीं। लिहाजा तमाम घर वाले सिर्फ एक जान को बचाने के लिए कई जिंदगियां जिंदा लाश बनी जाती है, पर यहाँ जज्बात की कदर किसको है। मरीज से ज्यादा ग्राहक के तौर पर देखा जाता है। पहले हाथ, जुबान या आंखों को देखकर डॉक्टर्स मर्ज को पहचानने की कुव्वत रखते थे, पर अब आपको कदम रखते ही जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाओं की जांच के लिए आपका खून लिया जाता है, खून टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और फिर उसकी एक अलग से फी होती है। अपनी जिंदगी में कभी नहीं पड़ा होगा ऐसे टेस्ट आपको देखने सुनने को मिलते हैं। जहां लोगों को दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है, वहीं मरीज के लिए दवाखाना, अस्पताल महंगाई होता जा रहा है। खांस हो गए तो अस्थमा, गले में सूजन आई तो कैंसर, भले आपके सीने में गैस से ही दर्द क्यों ना हो, आपको हार्ट अटैक का डर दिलाने का मौका यहां पर नहीं छोड़ा जाता। शुगर और बीपी तो आपको होना ही है, फिर क्या उम्र भर दवा गोलियों का जिंदगी भर का साथ लग जाता है। भले मरीज ठीक भी होने वाला है तो 48 घंटे की गारंटी नहीं दी जा सकती, ये जुमले अब आम होते जा रहे हैं। जिंदा रहा तो मैंने बचाया और मर गया तो किस्मत वाला मामला देखने को मिल रहा है। लिहाजा कई बार मरीज डॉक्टरों के दरमियान बहस देखी जाती है, पर हर फर्द बहस की कुव्वत नहीं रखता। गरीब अपना सब कुछ लुटाकर हजारों रुपये देकर मुर्दा ले जाता है, यहाँ तो मुर्दे की भी कीमत हजारों में लगाई जाती है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि जज्बात में फैसले लेने की बजाय सोच समझ के फैसले लिए जाए। यकीन रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है, ये समाज, ये माशरा रिश्तों ही से तो बना हुआ है, पर मौजूदा दौर में आपके जज्बात की ही कीमत लगाई जाती है। जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा का मालिक तो अल्लाह है, कोशिशें होनी चाहिए पर इस तरफ भी तवज्जो जरूरी है। आप जिस पर भरोसा कर मरीज को हवाले कर रहे हैं वही आपके भरोसे का कत्ल करने पर तुला हुआ, इसका थोड़ा एहसास भी जरूरी है। इतना जरूर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। डॉक्युमेंटेशन आहे काय मला सांगायचं, जिल्हाधिकाऱ्याचं चाललंय मी।
मी तुम्हाला काय म्हणाले बरोबर आहे तुम्ही ते तीन चार तास थांबून घेतला असं तुम्हाला नॉर्मल डिलिव्हरी होत आहे आधारचा तुम्ही आज ढकलायचा पाहिजे मला माहिती आहे मी कम्प्लेंट करणार आहे बघा काय करायचं आता काय करायचं तुम्ही तुम्ही काढलं तर काय तुम्ही काढलं सर तुम्ही काढलं सर काय तुम्ही काढलं सर काय तुम्हाला तुम्हाला हूट नसलं आणि पर्जल माहिती काय ना हे सांगा पर्जल माहिती काय सांगा झालं नाही सांगितलं सांगितलं सर आज पोरगा गुदमरलं हे माहित होतं तुम्हाला माहित होतं काय पोरगा रेडी जातात चार तास नाही आमच्या दवाखान्याची सुरक्षित होता काय सुरक्षित नव्हतं तुम्ही किती वाजता आला किती वाजता तुम्ही पेशंट पुढे घेऊन जाऊन सांगितलं सा सकाळी 10 आलेला तुम्ही दुपारी 2 वाजता घेऊन जाऊन सांगितलं सा त्या पेशंट नॉर्मल पाहिजे म्हणून बसलं पेशंट माझं बसते तुम्हाला होत नाही मग सांगायचं माझ्या अर्थ होत नाही तुम्ही पुढे घेऊन जाऊन सांगायचं का तुमच्या जीवर आहेत केली का तुमच्या जीवर तरी बाळ झाल्या काय करायचं मी सांगा घेऊन या लावते मुलगी तुम्ही सांभाळायचं मला माहिती तुम्हाला होत नाही काय घेतात दवाखान्यात आम्ही दोघं मी बी गेलो सुरक्षित दोघं जण होता कोण म्हणते नऊ दिवस कोण म्हणते की बोमडाचा मी स्वतः होतो पेशंटला कोण घेऊन गेलाय तुम्ही घेऊन गेला सर पटेगिरीच्या तुम्ही घेऊन गेला सर मी घेऊन गेलोय पटेगिरीच्या कोण घेऊन गेलाय कुठे प्रज्वल माईला प्रज्वल माईच्या बायकोला कितना प्रेशर आम्ही एवढा विचारतो मी आज आमचे हे पुरगे मेल्या तिचा काय इज कोण शिल तर माहित नाही कोण नाही नाही ऑफिशियल फंडा होणार वंदे एजंट रिपोर्ट केलेला आहे 2,64,000